दोस्तों, आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान? दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को दो विकल्प दिए थे। एक ये कि वो भगवान श्री कृष्ण को चुने जो कि निहत्थे होंगे, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं श्री भगवान कृष्ण को चुना। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा थे जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर चलाए, यानी कि 12 घातक बाण छोड़े थे? तो आपको बता दें, वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्य पुत्र कर्ण थे। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या था जो कर्ण ने 12 तीर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़े थे। दोस्तों, ये बात थी युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की राजनीति ही यही थी कि वो अर्जुन को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन ये चाहते थे कि वो कर्ण का खात्मा कर दे, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में ये बाण था पताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था, उसका था, जो अर्जुन का परम शत्रु था। और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था, और सर्प जो रह रहे थे खांडव वन में उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। दोस्तों, कई सारे धार्मिक सीरियल्स में, यानी महाभारत सीरियल आपने देखा ही होगा, उसमें वे कहते हैं कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के विवरण विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग, और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वो मौके की तलाश में थे। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद उनके बाण पर जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे थे। उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया, और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया था। रथ का पहिया जमीन में धस गया, घोड़े बैठ गए, और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तक, यानी कि ज्यूस के मुकुट को झटक कर धरती पर जा गिरा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के दसे हुए पहिए निकालने के लिए नीचे उतरे, तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया, और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी कि 12 घातक बाण जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धस गए। दोस्तों, पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खाए थे। वैसे दोस्तों, कौरवों के पास इतने बलवान योद्धा होने के बावजूद भी वो क्यों हारे? सिर्फ 3 गलतियां अगर दुर्योधन नहीं करता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कुरु वंश को भारी पड़ गई? दोस्तों, ज्यादा प्रवचन और ना देते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिरी युद्ध दोस्तों भीम और दुर्योधन का था। भीम ने दुर्योधन की जंगा पूरी तरह से तोड़ दी थी। वे खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने ही वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा, और बार बार अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वे युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हुआ। यदि वे पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत कौरवों की होती और महाभारत के युद्ध का एक अलग ही निष्कर्ष निकलता।
श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती उसने ये की कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, जैसे कि हमने पहले भी बोला, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे कि या तो भगवान श्री कृष्ण को चुन सकते हैं या तो उनकी अप्सराओं नारायणी सेना, तो दोस्तों दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि निशस्त्र नारायण यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे और अगर वो कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने ये बताई कि उसने अपनी माता के लाख कहने पर भी वो उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहनकर गया। उसकी माता ने उसे कहा था कि वे नग्न अवस्था में ही आए ताकि वे अपने संचार और अपने प्रचार द्वारा बचाई गई शक्ति को अपने पुत्र दुर्योधन को दे सके जिससे वे रणभूमि में अजय हो सके। लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी जिसके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेट कर जाने पड़े और इस वजह से उसकी जांघ और मुख्य अंग शक्तिहीन हो गया और इसी वजह से दुर्योधन परास्त भी हुआ था। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की कि उसने युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। यदि वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान ना जाती। उसे ये पहले ही पता चल जाता कि उसे शुरू से लेकर अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता यानी कि सबसे आगे रहता तो वे ये जान पाता कि आखिर कौन सा योद्धा कहाँ सही रहेगा, कहाँ पर वो किस योद्धा पर भारी पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी और फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं तो अपने कार्यों से अपना भाग लिखा है दुर्योधन। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे बल्कि तुम अधर्मी हो इसीलिए हारे। तुम अपने कुलवधू का ही वस्त्र हरण करवा रहे थे, तुम पांडवों को नीचा दिखा रहे थे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार लेकर डूबा है निर्दय दुर्योधन। वैसे भी दोस्तों भगवान विष्णु ने धरती पर तब तब जन्म लिया जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ा। अब तक भगवान ने 9 अवतार लिए हैं लेकिन माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान का 10वां अवतार भी होगा। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का 8वां अवतार माना गया था और वे भगवान के परम अवतार माने गए, यानी सारे ही गुण भगवान के इस अवतार में शामिल थे। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा कि धरती पर जब भी अधर्म बढ़ेगा वे जन्म लेंगे। विष्णु पुराण में भगवान के 10 मुख्य अवतार बताए गए हैं और 10वां अवतार होगा कल्कि अवतार, यानी भगवान स्वयं धरती पर आएंगे लेकिन हम स्वयं भगवान को नहीं पहचान सकेंगे और हम खुद स्वामी नारायण भगवान से लड़ेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों हम अपने ही भगवान से लड़ेंगे? दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप जरूर उसे जाकर देखें। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपके पास भी कोई सटीक जानकारी है या चाहते हैं कि भविष्य में हम उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं जो आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।